कॉलेज का पहला दिन, क्लासेस ख़त्म होते ही मुझे घर जाने की जल्दी थी, पर कमबख्त ये मौसम इसने कुछ और ही सोच रखा था। एकदम से जोरों से बारिश शुरू हुई, मैं भागती हुई टफरी के पास रुक गई। चाय की सौंधी सी खुशबू के साथ लगा कि तुम आ रहे हो। इतने समय बाद तुम्हें देखा तो आँखों पर यकीन नहीं था। आँखें मली तो पता चला कि तुम ही थे, भीगते भागते मेरी तरफ आ रहे थे, मुझसे बेखबर, हमेशा की तरह खुद में उलझे परेशान। कभी बालों को सेट करते, कभी शर्ट, कभी पैंट, कभी शूज़। पता तो पहले से था, पर उस दिन तुम्हें देखा तो रियलाइज़ हुआ कि ये बारिश हर किसी के लिए रोमांटिक नहीं होती। तुम्हें परेशान देखकर मुझे एंजाइटी होने लगी। सोचा कि कुछ पल के सुकून के लिए एक कप चाय का पूछूं, पर तुमसे पूछने की ये हिम्मत कर ही रही थी कि बारिश रुकी और तुम चले गए। मेरी चाय तुम्हारे साथ रहेगी। हाय, आई एम रितिका एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉइस लवर। माना कि बारिश हर किसी के लिए रोमांटिक नहीं होती, और हर किसी के लिए सुकून का नाम चाय हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी के कुछ 15-16 साल ऐसे ही गुजरे हैं, फिर मिले तुम और तुम्हारी एक कप चाय जो हमेशा रह जाती है। कल बारिश हो रही थी, हाथ में एक कप चाय के साथ मैं खिड़की के पास बैठ गई। तुम्हें अदरक वाली चाय पसंद है? नहीं, शायद इलायची वाली। उफ़, तुम्हें मिले 3-4 साल हो चुके हैं, पर मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें चाय पसंद भी है या नहीं। क्योंकि जब तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ और बातें शुरू हुई, तब मैं हॉर्लिक्स और दूध चौकोस पे थी और तुम भी वहीं थे। और ये जो हॉर्लिक्स का प्यार है, इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा चाय पर आने में, पर जितना भी वक्त लगा उस वक्त तक हम अलग हो चुके थे, तुम अपने और मैं अपने शहर में। ऐसा नहीं है कि फिर बात नहीं हुई, पर बस इतनी हुई कि मैंने पूछा कैसे हो, क्या कर रहे हो, और फिर तूने बोलना शुरू किया और मैंने सुनना। इन सालों में जितनी बार भी बात हुई है, उतनी बार बस मैंने ये दो सवाल पूछे हैं, उसके बाद तुमने मौका नहीं दिया कुछ पूछने का। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर बड़ी हिम्मत कर इतने समय बाद तुम्हें बस ये पूछने के लिए कॉल करती कि तुम्हें चाय पसंद है। तुमने फ़ोन उठाया और तेरी आवाज़ सुनते ही मैं सुन हो गई, और मैं हड़बड़ी में ये पूछ लिया कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, और उसने बोलना शुरू किया और मैंने सुनना। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, अपने शहर की, इतने टाइम से कहाँ गया, क्या किया। मेरा ध्यान बस मेरे उस सवाल पर था। मैं हमेशा चाहती थी कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं, पर उस दिन मैं चाहती थी कि कह दूं कि रुक जा, मेरे को कुछ पूछना है, बात ख़त्म होगी, और वो कॉल कट ही करने वाला था कि मैंने पूछ लिया, तुम्हें चाय पसंद है? उसने कहा, मूड के अकॉर्डिंग, मन हुआ तो चाय वरना कॉफ़ी। हमेशा की तरह वो मेरे साथ अपनी पसंद मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार उसे पता नहीं था कि मुझे क्या पसंद है, तो उसने दोनों बोल दिया, मूड के अकॉर्डिंग पसंद है। उसने कॉल कट कर दी। शायद मेरा उससे ये आखिरी सवाल था, क्योंकि फिर हमारी बात नहीं हुई। उसने कोशिश नहीं की पसंद मिलाने की, और मैंने हिम्मत नहीं की फिर कुछ पूछने की। फिर तुम इतने साल बाद दिखे कॉलेज के बाहर उस टपरी पर, खुद में उलझे, मुझसे बेखबर, और मेरे साथ तुम्हारी चाय रहेगी। सुनो, कभी मेरे शहर आना तो खुद से बेखबर मेरी खबर लेने आना। मेरी तरह तुम्हारे लिए भी सुकून का नाम चाय है तो ये बताने आना। कभी मेरे शहर आना तो खुद से बेखबर मेरी खबर लेने आना। वो जो रह गई है तेरे साथ, वो साथ वाली चाय पीने आना। कभी आना मेरे शहर तो खुद से बेखबर मेरी खबर लेने आना। यूँ तो शामें बिताई हैं बहुत, यूँ तो शामें बिताई हैं बहुत, अब दिन और रात का हिसाब करने आना। कभी आना मेरे शहर तो खुद से बेखबर मेरी खबर लेने आना।